दंतेश्वर माया की जय, माता की जय, गंगा देवी माता की जय। अभी कांग्रेस की सभा में आप आए हो, भीड़ तो आप देख ही रहे हो किस हिसाब, ये लगता है कि इतने वोट यहाँ बस जगदलपुर और बस्तर से इतने वोट मिलेंगे कांग्रेस को? 1000 रुपए आना चालू हो गया तो ऐसा नहीं लगता कि भाजपा ने भी काम तो कर ही रही है आप लोग के लिए? उन लोग का माने अमित शाह और मोदी जी का दोनों का नहीं था, डबल इंजन के कारण हारे हैं। तो प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी बेहतर है कि प्रियंका गांधी बेहतर? मोदी जी ने आदिवासी शब्द को बदलने की कोशिश की, हम आपको आदिवासी कहते हैं, बीजेपी के लोग आपको वनवासी कहते हैं, बीजेपी के लोग आपको वनवासी कहते हैं। देखिए आरएसएस और बीजेपी के लोग ही वनवास कल्याण आश्रम पूरे हिंदुस्तान में चला रहे हैं और अभी नहीं बहुत पहले से चला रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है? आदिवासी रहते हैं उनको वनवासी वनवासी कैसे कहेंगे? आदिवासी रहते हैं। एक बात बताऊं सर, ईवीएम मशीन में खड़बड़ किस लिए है सब जनता बोलती है? क्योंकि खुद का वोट, जब कांग्रेसी आदमी खुद का वोट को खुद दे रहे हैं, खुद का वोट क्यों नहीं पड़ेगा? उनका परिवार में 10 आदमी है तो 10ों का वोट भी पड़ना चाहिए, बाकी तो नहीं पड़ता ना। तो फिर क्या ये मान सकते कि 2019 का चुनाव भी सेटिंग से हुआ था? देश का अरे तो आप लोग छत्तीसगढ़ की जनता ने क्यों फिर कांग्रेस को हटा दिया? राहुल गांधी यहाँ किसके लिए वोट मांगने आ रहे हैं? पता नहीं प्रत्याशी कौन है, पता है? पता नहीं है, पता नहीं है। कहाँ लेके जा रहे हो भाई राहुल गांधी को? नहीं हमारा प्यार है, हमारा प्यार है बोल के हम यहाँ पर क्या होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस होता है। भी लाठी हमारी थी लेकिन हमारे पास भैंस हमारे पास रहती तो लाठी हमारी है लेकिन भैंस उनके पास चली गई, लाठी हमारी होने भैंस। अभी फिलहाल हम सभा स्थल में मौजूद हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये स्टेज पे नेताओं के भाषण चल रहे हैं, अलग अलग नेता यहाँ पर फिलहाल कोको पाड़ी यहाँ पर खड़े होके भाषण दे रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं और अब से थोड़ी देर में राहुल गांधी यहां पर उपस्थित हो जाएंगे। कौन से गांव से हो? शोतनार। शोतनार। अच्छा कौन आ रहा है सभा में? अभी सभा में आए कौन आ रहा है अभी यहां पर? राहुल गांधी और कौन आए की? राहुल गांधी यहां किसके लिए वोट मांगने आ रहे हैं? पता नहीं। वोट किसको दोगे सर ये तो बताओ? वोट के लिए है, वोट के लिए। आप किसको वोट दोगे? कांग्रेस को देंगे। प्रत्याशी कौन है पता है? पता नहीं है। प्रत्याशी कौन है कांग्रेस का यहाँ पर? कौन है? रोहित लखमा। यहाँ आने कौन बताया आपको कि यहाँ पर सभा हो रही है, आना है यहाँ पर? कौन बोला? सरकार बोली है ना, विधायक विधायक नेता मन क्या बोले वो वहाँ मीटिंग होगा बोल तो बताएंगे। इतना बड़ा कार्यक्रम में 1 लाख लोग आएंगे? पता नहीं उसको। मैं को भाई कहाँ से हो? कहाँ से हो? घोड़सोड़ा। ये जगदलपुर से कितना दूर पड़ता है? जगदलपुर से 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर। और कैसे आए हो, साधन क्या है? साधन बोलेरो में आए। आपकी खुद की गाड़ी है कि आपके सरपंच ने आपके लिए? पंचायत से आपको मिली? तो मैं यहाँ पर गांव गांव घूम रहा हूँ और जितने भी लोगों से मैंने बातचीत की सबका ये कहना है कि सरपंच जिसको बोल देते हैं उसको अपन जाके वोट दे देते हैं, ऐसा ही है क्या? ऐसा नहीं है। अच्छा तो अभी कांग्रेस की सभा में आप आए हो, भीड़ तो आप देख ही रहे हो किस हिसाब, ये लगता है कि इतने वोट यहाँ बस जगदलपुर और बस्तर से इतने वोट मिलेंगे कांग्रेस को? हाँ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लाख लोगों से ज्यादा का लोग बोल रहे हैं कि अनुमान लगाया गया है कि 1 लाख लोग आएंगे इधर, तो 1 लाख लोग इधर से वोट देंगे? देंगे सर, बिल्कुल देंगे सर। दादी ने काम किया है आप लोग के? मोहन मरकाम है सर, सुकमा है। मोहन मरकाम आपके साइड से? जी जी। अच्छा अच्छा, वो मोहन मरकाम भी बहुत अच्छा काम किए। लेकिन फिर ये जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें हरवा क्यों दिया आप? तो एक क्षेत्र का वोट नहीं है ना सर, पूरा क्षेत्र विधानसभा का है, अपने तरफ से अपने गांव से पूरा लीड निकलता है कांग्रेस का। अच्छा, कांग्रेस को ही वोट गया था इधर से? तो इधर अभी आप लोग के जो घर पे महिलाएं उनके खाते में 1000 रुपए आ रहा है क्या? जी सर,
1000 रुपए आना चालू हो गया, तो ऐसा नहीं लगता कि भाजपा ने भी काम तो कर ही रही है आप लोग के लिए? अभी चुनाव है इसी कारण लोग डाल रहे हैं, तो आने वाला डालेंगे नहीं डालेंगे उसे अभी तो कोई गारंटी नहीं। तो ऐसे ही ऐलान तो यहाँ पर कांग्रेस भी कर रही है, राहुल गांधी भी करने वाले हैं कि 1 लाख रुपए देंगे साल का, तो वो भी तो ऐसा हो सकता है कि चुनाव के कारण ही हो। नेक्स्ट में उन लोग राहुल गांधी तो कर्जा माफ करूंगा बोले थे तो किए कर्जा माफ भी, तो इस बार भी बोले हैं दूंगा 1 लाख तो देंगे, इसलिए भरोसा है माफ और होगा बोल रहे हैं कि नहीं। प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी ठीक हैं या मोदी ठीक हैं? राहुल गांधी ठीक है सर, लेकिन बन तो पाए नहीं अभी तक, क्या कारण लगता है कि अभी तक वो बन नहीं पाए? अपना पब्लिक के ऊपर है सर, जो दे नहीं पा रहे हैं, जो कोई समझ नहीं पा रहे हैं कि राहुल गांधी को वोट नहीं दे रहे। अच्छा, ये जितने भी मतलब जैसे भूपेश बघेल हो गए, बाकी कांग्रेस के नेता हो गए, उनका ये कहना है कि भाजपा वाले ईवीएम की मशीन में खराबी कर देते हैं, तो ईवीएम की मशीन में भी खराबी लगती है क्या आप लोग को? जी सर, ईवीएम नहीं रहेगा तो राहुल गांधी आराम से जीत सकते थे। अच्छा जी, तो ईवीएम के कारण हार रहा है राहुल गांधी? जी, ईवीएम के कारण हारा है। ईवीएम के कारण है जी, अगर ईवीएम नहीं रहेगा मतदान, अगर बैलेट बॉक्स से होगा तो जीत जाएगा, खाली मतदान रहेगा जीत जाएंगे, जीतेंगे मतदान। क्या नाम लिखते हैं आप? नरेंद्र पांडे। कांग्रेस में आप सदस्य हैं क्या? अच्छा, कौन से पद पे? मैं नारायणपुर विधानसभा से। तो ये ईवीएम के कारण ये लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, तो पिछली बार 2019 में कैसे जीत गए? तो उस समय उन लोग का माने अमित शाह और मोदी जी का दोनों का नहीं था, डबल इंजन के कारण हारे हैं। 19 में कांग्रेस की सरकार बनी थी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ पे ईवीएम में गड़बड़ी क्यों नहीं कर पाई फिर भाजपा? उस समय उनको भी इतना नहीं था हारेंगे बोल के, उससे पहले तो उन लोगों का सीट था ना पूरा, जीत जाएंगे बोल रहे थे, लेकिन उन लोग को समझ में नहीं आया माने हारेंगे बोल के, हारने के बाद उनको पूरा गड़बड़ी कर दी ईवीएम। तो ये तो अभी भी चुनाव में अरेंजमेंट कर सकते हैं, ईवीएम में खेल कर सकते हैं, तो फिर आपके वोट डालने का क्या मतलब? फिर आपके वोट डालने का क्या मतलब हुआ? तो सबको बोल रहे थे ईवीएम नहीं करवाना है बोल के, लेकिन उसको सुन ही नहीं रहे हैं सर इसका। लेकिन राहुल गांधी तो ऐसा कोई बयान नहीं देते जिसमें ईवीएम में गड़बड़ी बताते हो। भूपेश बघेल लोग तो बोल रहे थे सर। हाँ, लेकिन भूपेश बघेल का नेता कौन है? राहुल गांधी है। राहुल गांधी तो ईवीएम में खराबी की कोई बात ही नहीं करते। अब उनका रणनीति क्या है तो हम तो उतना पता नहीं है। सही बात है, सही बात। हो सकता है कि वो अलग रणनीति से चल रहे हों। तो बढ़िया, अच्छी भीड़ आपने जुटा ली, अब देखते हैं कि वो वोट में। अब कांग्रेस के हैं तो भीड़ तो अपने आप होना। हाँ, तो ये सारे नहीं तो ये जो जितनी महिलाएं हैं ये सब कांग्रेस की। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए। तब आए नहीं तो नहीं आती। तो एक बार मिल के सब लोग, आप लोग एक नारा लगा दो, चलो ठीक है, जोर से इधर नारा लगा दो। राहुल गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, गवासी लखमा, गवासी लखमा। अच्छा भाई, अगर कांग्रेस चुनाव जीत गई तो प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी बेहतर है कि प्रियंका गांधी बेहतर है? दोनों में कोई भी चलेगा। राहुल गांधी, आपकी क्या पसंद? मेरे से राहुल गांधी ठीक, प्रियंका गांधी नहीं? वो भी ठीक है, मैं तो बोला दोनों चलेगा। और सोनिया गांधी? नहीं तो अभी इन्हीं को देना है। चलो ठीक है, माननीय राहुल गांधी जी, हम जो नेता जन जन जो नेता, माननीय राहुल गांधी जी विस्तार से सांग लो, एक बार दोनों हाथ खड़े करूं, माटी ताली बजे और माटी समर्थन करूं, दोनों हाथ खड़े करूं माटी, और आभार प्रदर्शन कर दूंगा जी बलराम मौर्य जी, आभार प्रदर्शन कर दे बलराम मौर्य। आज हम जो जितनी तेजी और स्फूर्ति से यहाँ पर राहुल गांधी के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उतनी ही तेजी से अब यहाँ पर लोगों को इस सभा स्थल से जाने की जल्दी मची हुई है। लिहाजा आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगह से, क्योंकि ये संकरी जगह है और आने के रास्ते तो बहुत थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि एक जाम की स्थिति पैदा हो गई है जहाँ पर लोग निकल नहीं पा रहे हैं, निकलने में उनको बहुत सारी तकलीफें हो रही है। ऐसा होता ये है क्योंकि भाई एक बार जैसे ही आपका जो चीफ गेस्ट है राहुल गांधी, उन्होंने बोलना खत्म किया, वैसे ही भीड़ निकल कर बाहर भागने लग जाती है। अच्छा, दूसरी तरफ मैं अपने हमारे साथ जो नवीन भाई हैं, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, उनसे बोलूंगा कि जरा वो लोगों को दिखाएं कि सभा खत्म होने के बाद राहुल गांधी जी से इतना प्यार है लोगों को कि उनके पोस्टर भी अपने साथ लेकर के जा रहे हैं, ये देखिए। हाँ। चलो एक आध से पूछते हैं, कहाँ लेके जा रहे हो भाई राहुल गांधी को? अरे अरे अरे, राहुल गांधी के हम लोग
अपना बस्तर क्षेत्र में ले जा रहे हैं हाँ। ग्राम देवड़ा हाँ। तो क्या करोगे इसका? तो इसको हम लोग सम्मान करेंगे। सम्मान करोगे? हाँ सम्मान करेंगे। सम्मान और घर पे टांगोगे क्या? हाँ टांगोगे। सम्मान कैसे करोगे इसका? इसके हम लोग का प्रधानमंत्री बनाना है हम लोग को हाँ। हमको जानकारी है हाँ। क्योंकि राहुल गांधी हमारा बेस्ट आदमी है हाँ। हम लोग किसी हालत में भी प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो ऐसा हर बार होता है कि ऐसे सभा में आप आते हैं? सभा में हर बार होता है हाँ। भीड़ हाल अभी खूब देखे हम लोग भाजपा सरकार में हाँ। तो इधर उधर हो रहा था हाँ। तो जाने के हम लोग सोचे हाँ। हमारा राहुल गांधी हाँ। एक बार आए प्रधानमंत्री। ये तुम्हें इतना प्यार है कि तुम इसको लेके जा रहे हो? हाँ हाँ जी जी सर। तो जिसने ऑर्गेनाइज करवाया उसका क्या? नहीं हमारा प्यार है, हमारा प्यार है बोल के हम लोग यहाँ से। एक बात बताओ आदिवासियों के लिए अभी जो राहुल गांधी हाँ, आदिवासी के लिए सब लिए बेस्ट कर रहे हैं, आदिवासी के लिए भी उन्होंने जो बोला अभी, उन्होंने बोला कि आदिवासियों को जंगलवासी कहते हैं भाजपा वाले हाँ, हाँ। तो किस नेता ने ऐसा कहा है, कुछ जानकारी है इस बारे में? तो इसको हाँ जानकारी है सर, जानकारी है मोदी कहाँ पर बोला? आओ ना भाई इधर आओ। मोदी है, मोदी है सर। आप ये भाई है हमारे साथ जो बहुत जोर जोर से नारे लगा रहे थे, तो किस नेता ने कहा था ऐसा? जंगलवासी आदिवासी जी, ये जो जंगलवासी जो कहते हैं आदिवासियों को जो जंगलवासी कहा जाता है, ये नरेंद्र मोदी कहते हैं। कहाँ कहा था उन्होंने? अपने लाइव डिबेट में कहते हैं। कहाँ कहा था? हम भी क्या है, किसी ना किसी से, आजकल क्या है मोबाइल का जमाना है हाँ। इसलिए हमको कहाँ यूट्यूब से कहीं ना कहीं से ये चीज सामने मिल जाता है। नहीं तो किस चैनल पर कहा था, कहाँ कहा था, कुछ जानकारी है जी? ये उन्हीं के लाइव डिबेट में कुछ में कहा गया था, लाइव शो में कहा गया था कि जंगलवासी आदिवासी नहीं, ये लोग जंगलवासी है। कौन से शो में कहा था वही तो पूछो। अरे सर ठीक है ठीक है ठीक है, पूछो पूछो। हमारा सरकार आएगा, अब भी क्या प्रधानमंत्री आएगा इस बार? हम गारंटी इस बार का साल। कैसा लगा राहुल गांधी का भाषण, कैसा लगा आपको, कैसा लगा? ये देखिए यहाँ सदन में कहा गया था कि जंगल आदिवासी नहीं, जंगलवासी। ये देखिए आदिवासी की बात आया तो मैं भी आदिवासी हूँ, बोलना चाहता हूँ। हमारे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। देखिए एक एक करके बात करेंगे तो सबकी बात वहाँ पर आएगी। आप क्या पूछ रहे थे? आप जो दिखा दो जी, आप जो कहे थे कि कहाँ बोले थे आप, उस अब हम उस चीज को दिखा रहे हैं। ये देखिए सदन में बोला गया है। मैं सुन रहा हूँ आप। हाँ आप बोल रहे थे ना कि आदिवासी किस मंच में कहे थे? देखिए आरएसएस और बीजेपी के लोग ही वनवास कल्याण आश्रम पूरे हिंदुस्तान में चला रहे हैं, और अभी नहीं बहुत पहले से चला रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है? वनवासी कल्याण आश्रम मतलब कौन है? वन में कौन रहता है जी? है नहीं जी? आदिवासी रहते हैं उनको वनवासी, वनवासी कैसे कहेंगे? आदिवासी रहते हैं जी, 99% आदिवासी रहते हैं जी। सर आप हाँ। आप एक मिनट आप वन में रहते हैं, वनवासी का अर्थ क्या है? वनवासी कोई जानवर है क्या? हम लोग है ना, इंसान है। एक मिनट वनवासी का अर्थ क्या है? आप आदिवासी हैं ठीक है, आप आदिवासी नेता भी हैं, क्या नाम लिखते हैं आप? लेखन बघेल हैं। लेखन बघेल हाँ। वनवासी का अर्थ क्या होता है जरा जनता को समझाइए, क्योंकि देखिए आप तो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, और वनवासी कोई गाली है कि क्या है? क्या वनवासी नहीं कहा जाना चाहिए? इस शब्द को लेकर क्या तकलीफ है इसको लेकर? वन में जो विचरित करते हैं ना, जो कोई भी बहुचारा जैसे गाय बड़े होते हैं विचरित करते हैं, उनको वनवासी बोलना और जंगलवासी बोलना मतलब अलग है। आदिवासी मतलब आदिवासी सामान्य चीज की होता है भैया। आदिवासी गौरव से कहा जाता है, हम आदिवासी हैं, हम गौरव से बोलते हैं। हम आदिवासी नहीं, मेरा नाम लक्ष्मण यादव है, मैं भानपुरी का हूँ, धन पद सत्र में 2 वोट के लिए आ रहा हूँ। इतना पावरफुल है मेरा, तब पर भी अभी भी डंकक चोट में बोलता हूँ भी जीत जाऊंगा मैं। आदिवासी का मतलब है जल जंगल जमीन, उसके रक्षा करने वाले, उस पर पूरा अधिकार रखने वाले आदिवासी। जब हिंदुस्तान यहाँ स्थापित मतलब बनाना धरती, उस समय का निवासी है हम लोग आदिवासी। हाँ, और जल जंगल जमीन सभी चीज का रखवाला करने वाले, उस पर अधिकार रखने वाले, उसको बचाने वाले हैं हम लोग। अलग से वनवासी शब्द कहाँ से आ गया सर? चलिए एक बात समझाइए मुझे कि बस्तर ना, मैं लोगों से भी जाकर ये सवाल पूछते आया हूँ कि बस्तर अपनी जो नेचुरल धन संपदा है उससे बहुत ज़्यादा धनी है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो। और विकास एक ऐसी चीज़ है जिसको दो धारी तलवार कहा जाता है, कि एक तरफ तो आपका समाज के रूप में तो विकास हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो इन आदिवासी परंपराओं को पीछे छोड़ देता है, पाश्चात्य संस्कृति को लेकर आगे बढ़ जाता है। तो एक तरफ तो बस्तर के आदिवासी विकास
चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप इस चैलेंज को कैसे इसका मुकाबला करेंगे कि इससे जो आदिवासी रीति रिवाज है, जो कल्चर है, उसको सहेज के, उसको संजो के रखा जाए, जिससे जो अभी बस्तर जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, वो आगे भी वैसे ही मेंटेन रहे। शहरों में हम देखते हैं शहरों का विकास हुआ, शहरों से कल्चर, रीति रिवाज, धर्म, समाज, ये सारी चीज़ें ख़त्म होती चली गई। गाँव में आप कैसे ये सुनिश्चित करेंगे कि विकास भी हो और इसके साथ ही लोगों की ये जो रीति रिवाज है उनको संजो के रखा जाए? सर, हमारा जो आदिवासियों का कल्चर, हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति, हमारा ताना बाना कल्चर, परंपरा, वेशभूषा सब कुछ अलग है, उसमें हमारा एक एकता निहित है। जब हमारा एकता है तो निश्चित रूप से हम लोग जैसा आधुनिकता में जी रहे हैं और बहुत सारा टेक्नोलॉजी अब आया है उसको अपनाना चाहते हैं, लेकिन ये आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं ना, आदिवासी को मतलब बनवासी कहकर यहाँ पर उनको वो धर्म का फंडा लाकर हिंदू मुसलमान बोलकर मतलब घर में रखना चाह रहे हैं। हम लोग आधुनिकता में आना चाहते हैं, हम आदिवासी विकास करना चाहते हैं और हमारा एकता उसी में है, हमारी कल्चर, ताना बाना, संस्कृति। मेरे भाई, ये तो हो गई कांग्रेस की बात, ये तो हो गई भाजपा की बात, आरएसएस की बात आपने पूरी रखी और दमदारी से रखी, आदिवासी और वनवासी का फर्क भी बताया। अब मैं चाहता हूँ कि हम कांग्रेस पर चलते हैं। दीपक बैज में क्या कमी थी, दीपक बैज को इस बार टिकट क्यों नहीं मिली, जरा समझाइए। जी जी सर, सर एक मिनट सर, दीपक बैज वर्तमान में प्रदेश के नेता हैं और अभी 11 सीट उसके कंधे पर है और प्रदेश के नाते ना उसका कद बड़ा हुआ है और इसीलिए जो है ना वो पूरा 11 सीट का संभाव मतलब भार उनके ऊपर है और सभी जगह में ना वो बेबुकी से रात और दिन एक किए हैं और उनके कंधे पर उनको 11 सीट जिताना है, बड़ा जवाबदारी है, इसीलिए शायद उनको टिकट नहीं दिया गया। और कवासी लगमा जो एक ठेट मतलब आदिवासी नेता है, आदिवासी के लिए जीता है और आदिवासी के लिए ही मरेंगे। अच्छा नहीं, मेरा एक सवाल है, देखिए यहाँ आने के पहले ना हम लोग जगदलपुर में थे और जगदलपुर में मंडी वगैरह में आम लोगों से हमने बात की, तो वहाँ पर जो फल बेच रहे थे, जो सब्जी वगैरह बेच रहे थे, जो कि जगदलपुर से खास नहीं थे बल्कि आसपास के गाँव से आए थे सामान बेचने के लिए, जब हम लोगों ने उनसे चुनाव को लेकर के सवाल किया कि आप किसको वोट दोगे, कब चुनाव है, क्या है, तो उन सब का मतलब हमने अगर लगभग ले लीजिए, हमने अगर 50 लोगों से बात की तो 50 में से 40 से 45 लोगों ने ये कहा कि हम चुनाव जिसको सरपंच बोलेगा वोट चुनाव में देने के लिए, हम उसको जाकर के वोट देंगे। तो यहाँ पर इस तरह की स्थिति कैसे है और क्या आपने भी कभी सामना किया ऐसी स्थिति का, क्योंकि आप एक कार्यकर्ता के तौर पर दिखाई दे रहे हैं मुझे कांग्रेस के, इस वजह से मैं इस बात को जानना चाह रहा हूँ कि भाई सरपंच तय करेगा कि वोट किसको देना है या फिर आम जनता है वो तय करेगी, या क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, आम जनता तय करेगी, ना सरपंच है, ना विधायक, ना सांसद, आम जनता भैया, जनता जनार्दन, जनता खुश है ना, जिसको बनाना है बनाएगी, लेकिन जनता के मुद्दे सही हों, जैसा कांग्रेस लाई है जनता के लिए, सभी वर्ग के लिए, गरीब मजदूर किसान के लिए, निश्चित रूप से जनता इस बार फैसला करने जा रही है और मोदी को बदल रही है। आप कब से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? मैं 2001 से हूँ। 2001 से आप राहुल गांधी को भी देखते आ रहे होंगे? जी, प्रधानमंत्री बनने की जो कोशिश है वो राहुल गांधी भी कर रहे हैं, पूरा कांग्रेस कर रहा है और पूरी जो गांधी परिवार है वो भी कर रहा है। क्या लगता है कि आज तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने में सफल क्यों नहीं हो पाए, क्या तकलीफ है, क्या रोड़ा है उनके रास्ते में? नहीं, राहुल गांधी बनना चाहते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन क्या है, अभी जैसा काफ़ी समय तक मतलब गांधी परिवार चलाया है ना, गांधी परिवार चलाया, लोगों की मतलब पूरे देश का एक बात था कि चलो दूसरे को मौका दिया जाए, जैसा विपक्ष के द्वारा बात किया जा रहा था ना कि गांधी परिवार ठेका लिया है वगैरह वगैरह, ये कब्जा करके रखा है, लेकिन वो अपने से नहीं चला रहे, जनता जनार्दन उसको सौंप रहे थे और 60 वर्ष तक लगातार राज किया गांधी परिवार, और इसीलिए ना। लेकिन कब तक मेरे भाई, कब तक आप उस लेगेसी को याद दिलाते रहेंगे, कब तक आप 60 वर्ष 70 वर्ष की कहानी बताते रहेंगे? अभी 19 आज के जो एक सेकंड, आज के जो चुनाव हैं वो आज के मुद्दों पर है, आज की परिस्थितियों के ऊपर है, ठीक है। 60 साल में कांग्रेस ने जो अच्छा किया उसके लिए कांग्रेस को रिपीट किया गया, और जब कांग्रेस ने जनता के हिसाब से अच्छा नहीं किया तो कांग्रेस को हटाकर बीजेपी को ला दिया गया। अब जो आपके सामने चुनौती है वो है मोदी का इतना बड़ा चेहरा
जिसके नाम पर लगातार जब 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 हम बस्तर के अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि लहर तो एक ही आदमी की है, वो है मोदी की। उस लहर का सामना कैसे करेंगे? देखिए नरेंद्र मोदी जी जो जनता झूठ बोल रही है, आम जनता की बात बता रहे हैं, आप कह रहे हो जनता झूठ बोल रही है, हम आम जनता की बात बता रहे हैं। झूठ बोल के नरेंद्र मोदी जी है ना, क्या कहते हैं, जो भावना को परिवर्तन करने में माहिर है, बहुत बड़े बड़े, आप ही बताइए ना 2014 में क्या क्या बोले थे भाई, क्या क्या बोले थे, 15 लाख रुपया, 2 करोड़ नौकरी हर साल जो है बेरोजगार, और कालाधन 15 लाख रुपया, और मतलब सभी महंगाई को दूर करेंगे, और 100 दिन में पूरा यदि ये काम नहीं होगा हिंदुस्तान की जिस भी सड़क में मुझे जो सजा देना, ये भी बोले थे। हमने तो आपकी बात सुन ली, हम कह रहे हैं चलो वो झूठ बोल रहे हैं, आप इस बात को कह रहे हो, लेकिन ये जो अभी स्थिति है कांग्रेस जो मोदी लहर सब जगह है, उसका तोड़ क्या है ये बताओ। अभी आप या तो इधर आ जाओ सर, या तो देखिए क्या है, आप कहेंगे पीछे से बात, वो माइक पे नहीं आएगी, वो कैमरे पे। मुझे क्या है, अगर आप कुछ कह रहे हैं तो उसको जनता को भी सुनाना है बराबरी से, आपकी बात रखनी है, ठीक है? तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप माइक के करीब आएं, और जो भी आपको अपनी बातें रखनी है आप रखिए, आप भी बोल सकते हैं, ये भी बोल रहे हैं, पीछे भी लोग कह रहे हैं, लेकिन माइक पर कह रहे हैं, ठीक है? बोलिए। मोदी लहर नहीं है भैया, अभी परिवर्तन की लहर है ना। अंध देखिए, वो जो पूंजीपति अडानी पूरे मीडिया है कि नहीं, सब ये बहुत बेहतरीन बात आपने कही, अपने कब्जे में रखे मोदी लहर बोल रहे हैं, ठीक है? नहीं सुनिए ना, अडानी और लोग का है मतलब, बिल्कुल उनकी शासन चलती है, कांग्रेस जिनके पास सत्ता मतलब ना, बड़ी बड़ी लोगों हैं, बड़ी बड़ी लोगों का सरकार है, ये हमारी सरकार है, कांग्रेस की सरकार गरीबों का सरकार है, गरीब से लेकर जितना भी अपने छोटे वर्ग के लोग हैं, छोटे किसान हैं, छोटे व्यापारी लोग हैं। बीते दिनों जब भोपाल में सभा हुई थी जी जी, तो प्रियंका गांधी जी कौन सी गाड़ी से उतरी थी जानकारी है आपको? नहीं उतना तो पता डिफेंडर नहीं, गाड़ी है 2 करोड़ के ऊपर की पड़ती है वो, अगर खरीदें तो बताइए आम आदमी कितनी गाड़ियां खरीदता है ऐसा, आम आदमी की सरकार अगर आप बता रहे हो तो फिर कैसे रही वो बात? वो बात नहीं सर, देखिए अभी भी मेरा बात भैया सुनो, मेरा बात नहीं था, वहाँ तो कोई कांग्रेसी नेता होगा, कांग्रेसी नेता कांग्रेस का ही था ना जी जी, तो भाई कांग्रेस आम भाई यहाँ बात कांग्रेस ही बोल रहे हैं ना इस बात को कि आम आदमी की सरकार है, तो हम कांग्रेस ही से सवाल ये इस बात का कर रहे हैं, बीजेपी क्या है क्या नहीं उसकी तो बात ही नहीं है, कांग्रेसी कार्यकर्ता अभी क्या बोल रहे हैं हम उस पर बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आम आदमी की पार्टी है, डिफेंडर गाड़ी से उतरने वाले इतने भीड़, नहीं 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 देखिए वो इतने समय से कार्य कर रहे हैं, ये बात मानिए, अब अभी तक पता है बीजेपी का कहीं पर चलता है, महात्मा गांधी का नॉर्थ चलता है क्या, छोटियों से चलते आ रहा है, हमें बीजेपी को बताओ, बताओ भाई कोई बीजेपी का चलता है क्या नॉर्थ में, बताओ कांग्रेस पार्टी का चलता है, महात्मा गांधी का महात्मा गांधी के हिसाब से पैसा से चलता है, आज भारत देश उसी को मानता है, पूरा हिंदुस्तान मानता है, मैं ढंग के तोड़ बोलता हूँ, कोई बीजेपी का कुछ भी चलता है तो बताइए आप लोग, सुनो बीजेपी का कुछ चलता है बताइए, अभी आजाद से लेकर पहले जब हिंदुस्तान में जब कांग्रेस पार्टी की थी, देश का आजाद से अभी तक बीजेपी का कुछ नहीं कर रहा है, कांग्रेस की पार्टी का चल रहा है। अरे तो आप लोग छत्तीसगढ़ की जनता ने क्यों फिर कांग्रेस को हटा दिया? एक एक समय की बात होता है, हम ही सरकार, हम ही कांग्रेस बनते हैं, हम ही जनता ही कांग्रेस बनती है, जनता ही बीजेपी बनती है भैया, सही बात, 5 समय की बात होती है, हम क्या सोचते हैं, हम जनता जनता कांग्रेस और जनता बीजेपी बनती है तो आपने क्यों हटाया? लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस होता है भैया जी, वो तो अड्डानी वाला काम। अरे तो लाठी तो तुम्हारी थी मेरे भाई, छत्तीसगढ़ में 5 साल तक आपकी लाठी थी, पहले लाठी हमारी थी लेकिन हमारे पास भैंस हमारे पास रहती तो लाठी हमारी है, लेकिन भैंस उनके पास चली गई, लाठी हमारी होने लाठी नहीं, भैंस से आपका क्या मतलब, क्या हुआ बताइए, लाठी मेरे पास है भैंस उनके पास है, चुनाव भैंस से आपका मतलब क्या है, क्या कहना, मेरा बात नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस बोलते ना, भैंस मेरा है लेकिन लाठी उन्होंने पकड़ा है, उनकी लाठी पकड़ी तो की बात भी जाए और इनकी बात भी जाए, दोनों साथ बोलोगे ना तो आवाज नहीं आएगी, तो वो उधर कैप्चर नहीं कर पाएगा, एक एक करके बोलिए। अच्छा आपने गरीबों का सोच अपना एक अलग बनाया हुआ है, देखिए हम बनाते हैं बीजेपी, हम ही बनाते हैं कांग्रेस। मुझे बस एक कारण समझाइए, अब वो कुछ भी कारण हो सकता है, हो सकता है कि आप जैसे कि आपके मुखिया, आप जो पूर्व मुखिया थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका ये कहना है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, है ना, हो सकता है कि जनता को पसंद नहीं आया 5 साल कांग्रेस जिस तरीके से कांग्रेस ने सरकार चलाई। सर एक बात बताइए, मुझे बतौर कार्यकर्ता मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बतौर कार्यकर्ता कहाँ चूक रह गई?
एक बात बताऊं सर, ईवीएम मशीन में खड़बड़ किस लिए है सब जनता बोलती है, क्योंकि खुद का वोट, जब कांग्रेसी आदमी खुद का वोट को खुद दे रहे हैं, खुद का वोट क्यों नहीं पड़ेगा? उनका परिवार में 10 आदमी है तो 10ों का वोट भी पड़ना चाहिए, बाकी तो नहीं पड़ता ना, ठीक है बीजेपी में चलेगा। 10 आदमी खुद का परिवार से वोट डाला है तो बीजेपी वाला नहीं दिया होगा, कांग्रेसी को दिया होगा, वो फिर किस लिए ऐसा होगा बताइए मेरे को। 2019 में किसको दिए थे? 2000 हम तो भैया कांग्रेसी आदमी, हम तो ईवीएम से ही हुआ था ना भैया जी, चुनाव बात तो वही है। अभी सेटिंग में क्या होता है बताइए आप, सेटिंग करने में कोई अभी कोई कंप्यूटर सेटिंग करता, हम तो उतना पढ़े लिखे नहीं है भैया, 10 ही पहले तो, फिर क्या ये मान सकते कि 2019 का चुनाव भी सेटिंग से हुआ था जहाँ कांग्रेस जीती थी? सेटिंग जनता जब चाहती है ना, इसको नहीं अभी ने कहा ना, हाँ मैंने कहा, क्योंकि एक जगह से हार जाती, एक जिला छत्तीसगढ़ में हार जाती, ठीक है, बाकी मध्य प्रदेश यूपी बिहार जो सबको सही बात है सही बोल रहा हूँ। आप कांग्रेस के जागरूक कार्यकर्ता हैं, ठीक है, आपने ईवीएम की एक कहानी बताई हमें जी। चुनाव आयोग कहता है कि आओ ईवीएम हैक करके दिखा दो जी, जब भी वो इस चीज को लेके कहता है तब कांग्रेस पार्टी समेत कोई भी पार्टी वहाँ जाती नहीं है। जाती नहीं है, क्यों ऐसा करती है? ये लोगों का है, अब लोग गलती करते हैं भैया, जब बुलाया जाता है तो उसमें हम तो छोटे पद के हम कार्यकर्ता हैं, हमको तो नहीं बुलाया जाता है, हम भैया कांग्रेस पार्टी के डंके, तो मेरा बाप दादा परदादा का मैं कांग्रेस पार्टी का हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी दुनिया देश और दुनिया की बहुत बड़ी पार्टी है ना, ऐसा है कि भाजपा के बाद सबसे बड़ी पार्टी देश में कांग्रेस है, उसके पास इतनी धन संपदा है, इतनी उसके पास रिसोर्सेज हैं, क्या वो एक ऐसा हैकर हायर नहीं कर सकती कि वो अपने दावे को चुनाव आयोग और कोर्ट के सामने सही प्रूफ कर दे? ऐसे हो सकता है, तो ऐसा क्यों नहीं कर रही? देखिए इतनी बड़ी बड़ी बातें तो हम तो भी हम छोटे पद के आदमी हैं, उतनी बड़ी तो हमारा औकात नहीं है कि वहाँ जाके हम बोल सकते हैं। फिर आप आरोप कैसे लगाते हैं? आरोप देखिए पब्लिक जो बोलती है, जो कान में सुनते हैं हम वही से ही बोलते हैं। आप भी मैंने आंखों देखा तो नहीं किया हूँ कि मैंने नहीं किया हूँ कि मैं वो ईवीएम मशीन मेरे से खराब था, तो जनता जैसे बोलती है भैया वो सही बात मानते, दुनिया बोलती है उसको कि ईवीएम मशीन में खराब था, खराब है। हम इतना एक बार खुद का वोट क्यों नहीं डालेगा बताइए, मैं खुद खड़ा हुआ हूँ, मैं मतलब बताइए। अच्छा आखिरी सवाल, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही हैं? छत्तीसगढ़ में तो मेरे हिसाब से तो 11-11 आनी चाहिए। नहीं हिसाब नहीं लगाना है, सच्चाई से बताना है, बतौर कार्यकर्ता नहीं पूछ रहा हूँ, बतौर जनता पूछ रहा हूँ। मेरे हिसाब से 10 फिक्स है, 10 सीट मिल जाएगी। एक सीट कहाँ पे चुकेंगे? एक सीट चुक जाएगी अपना धनतेरी वाला, उसमें चुक जाएंगे, क्योंकि वहाँ के लोगों का भी फोन लगाते रहते हैं, कभी कभी आते हैं, हमारे फैमिली वाले रहते हैं वही वाला बोलते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये राहुल गांधी की सभा अभी अभी यहाँ पर हुई है और बहुत जो लाउड यहाँ पे देखने को मिली, एक डिस्कशन बहुत अग्रेसिव डिस्कशन देखने को मिली। कोशिश हमारी यही रहती है कि कार्यकर्ता या नेता या जनता किसी भी पक्ष का हो, हम दूसरे पक्ष की बात करके और उनसे उनकी जो मन की भावना है वो निकालने की कोशिश करें, और इसी कोशिश में एक बहुत ही सच्ची हमने ऑनेस्ट अपील की है, बिल्कुल कि भाई ऑनेस्ट अटेम्प्ट किया है कि भाई हम जो भी तैयारियाँ होती है, जो भी तरीका होता है पार्टियों का चुनाव को लेके जनता को अपने साइड रिझाने का, उसको पूरी सच्चाई और पूरी निष्पक्षता के साथ आपको दिखाया जाए, उसके पीछे की पूरी तैयारियों को दिखाया जाए। स्टेज पर आपको बाकी के सारे कैमरे दिख जाएंगे, लेकिन स्टेज के बाद क्या होता है उसकी कहानी आपको बताई जाए। सही बात है, और कार्यकर्ताओं से भी जो हमने बात की, जो स्टेज से दावे किए जा रहे थे उन्हीं दावों को लेकर के हमने बात की कि भाई जो कार्यकर्ता समर्थन उन दावों को का कर रहे थे, क्या उनके बारे में उनको जानकारी भी है या नहीं, वो हमने जानने की कोशिश की। अब आप सबके सामने ये वीडियो है, पसंद अगर आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। बस्तर आए हुए हैं और बस्तर की अलग अलग कहानी, अलग अलग जगहों पर जाएंगे, जनता से बातचीत लगातार करते रहेंगे, क्योंकि हम तो बस आपके लिए ही काम कर रहे हैं, जो आप चाहेंगे उसके लिए काम करेंगे। चुनाव हो रहे हैं, आप तक खबरें लेकर के आ रहे हैं। प्रियांशु मेरे साथ में है, मेरा नाम शशांक याग्निक है और नरेंद्र भाई हमारे साथ में। प्रियांशु और कुछ कहना चाहेंगे आगे? बस खबर विभाग और IBC 24 डिजिटल के हमारे जो बाकी के चैनल्स हैं, जिस भी चैनल पर आप इस वीडियो को देखें, इन खबरों को देखें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वो नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रकार की कवरेज, ऐसे ही प्रकार की निष्पक्ष खबरें ग्राउंड से हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।